सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने दिल्ली के चुनावों की घोषणा कर दी है। दिल्ली के लोग भी चुनावों के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं, और आम आदमी पार्टी भी चुनावों के लिए तैयार है, उत्सुक है। इस बार दिल्ली का चुनाव दिल्ली सरकार के कामों पे होगा। लोग मन बना चुके हैं कि इस बार काम पे वोट डालेंगे। ये शायद 70 साल के इतिहास में पहली बार होगा कि वोट स्कूलों के नाम पे पड़ेगा, वोट अस्पतालों के नाम पे पड़ेगा, पॉजिटिव वोट। अभी तक वोट इसलिए पड़ता था कि स्कूल ख़राब हो गए, सड़कें ठीक नहीं कराई, पानी ठीक नहीं किया। इस बार लोग खुशी से वोट देंगे, पॉजिटिव वोट देंगे कि सड़कें बहुत अच्छी हो गई जी, स्कूल बहुत अच्छे हो गए जी, अस्पताल बहुत अच्छे हो गए जी, दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं जी। सो इस बार लोग पॉजिटिव वोट, तीर्थयात्रा होके आए हैं जी, तो इस बार लोग पॉजिटिव वोट देंगे। ये चीज़ शायद भारत के इतिहास में पहली बार होगी। लोग इस बार काम का कंपैरिजन करेंगे। दिल्ली में मोटे मोटे तौर पे दो पार्टियों की सरकार है, भाजपा की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा को जिम्मेदारी दी है पुलिस संभालने की, नगर निगम संभालने की और DDA संभालने की, और दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को जिम्मेदारी दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट की, हेल्थ डिपार्टमेंट की, PWD डिपार्टमेंट की, जल बोर्ड की और अन्य तमाम डिपार्टमेंट्स की। तो अब दिल्ली के लोग ये देखेंगे कि MCD ने, BJP ने अच्छा काम किया, MCD में, नगर निगम में अच्छा काम हुआ, पुलिस ने अच्छा काम किया, DDA ने अच्छा काम किया, या फिर आम आदमी पार्टी ने शिक्षा में अच्छा काम किया, स्वास्थ्य में अच्छा काम किया, सड़कें अच्छी बनाई, पानी अच्छा दिया, बिजली अच्छी दी। लोग ये देखेंगे और सबके सामने है कि दिल्ली के लोग अब दिल्ली को MCD नहीं बनाना चाहते। MCD का कितना बुरा हाल है। दिल्ली के लोग शिक्षा से खुश हैं, दिल्ली के लोग स्वास्थ्य से खुश हैं, दिल्ली के लोग बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, नाली, गली, इनसे खुश हैं। मैं आज दिल्ली के लोगों से अपील करना चाहता हूं, और शायद ये भी पहली बार हो रहा है, कि अगर हमने काम किया, आपको लगता है काम किया, तो हमें वोट देना, तो हम दोबारा सरकार बनाने के हकदार हैं। अगर हमने काम, आपको लगता है हमने काम नहीं किया, हमें वोट मत देना। ये स्टेटमेंट कहने के लिए हिम्मत चाहिए। ये स्टेटमेंट 5 साल सरकार चलाने के बाद मुझे नहीं लगता आज तक 70 साल में किसी भी मुख्यमंत्री ने दोबारा चुनाव में जाने के पहले अपने मतदाताओं को एड्रेस करते हुए ये स्टेटमेंट दिया होगा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, अगर काम नहीं किया तो मुझे वोट मत देना। हम लोग दिल्ली में सबके घर जाएंगे। हमने जो 5 साल में काम किया, मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया, सबके मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया। मैंने ये नहीं देखा कि ये आम आदमी पार्टी वाला है, मैंने ये नहीं देखा ये BJP वाला है, मैंने ये नहीं देखा ये कांग्रेस वाला है। स्कूल अच्छे करे, उसमें BJP के लोग भी पढ़ते हैं, आम आदमी पार्टी के लोग भी पढ़ते हैं, कांग्रेस के लोग भी पढ़ते हैं। हमने पानी अच्छा करा, घर घर पानी पहुंचाया, हमने ये नहीं देखा कि BJP वाली गली में पानी मत पहुंचाओ और कांग्रेस वाली गली में पानी मत पहुंचाओ। चुनाव के बाद हमने सबको अपना दिल्ली का आदमी माना और सबके लिए हमने तरक्की करी, सबके लिए विकास करा। आज हम जब घर घर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो उनसे यही कहेंगे, हम BJP के लोगों के पास भी जाएंगे। कल BJP वालों ने कुछ डोर टू डोर शुरू किया है, हम भी BJP वालों के बीच में डोर टू डोर जाके कहेंगे कि 70 साल में पहली बार आपके बच्चों के स्कूल ठीक हुए हैं, 70 साल में पहली बार आपके परिवार के लिए अस्पताल ठीक हुए हैं, इसको रुकने मत देना, इसको रोक मत देना, इसको जो ठीक हुआ है। क्योंकि अगर आपने अब सरकार बदल दी तो सबको पता है कि ये सारा मामला रुक जाएगा, स्कूल फिर से ख़राब हो जाएंगे, अस्पताल फिर से ख़राब हो जाएंगे। तो हम उनको यही कहेंगे, आप जिस मर्जी पार्टी से हो, आप BJP से हो, आप कांग्रेस से हो, इस बार अपनी पार्टी को वोट मत देना, इस बार दिल्ली के लिए वोट देना,
इस बार देश के लिए वोट देना, इस बार अपने बच्चों के और अपने परिवार के विकास के लिए वोट देना। हम ये नहीं कह रहे आप अपनी पार्टी छोड़ो, आप जिस पार्टी में उस पार्टी में रहो, लेकिन इस बार का वोट आप काम के नाम पे देना, दिल्ली के विकास के नाम पे देना, अपने बच्चों की शिक्षा के नाम पे वोट देना। तो हम बीजेपी वालों से भी वोट मांगेंगे, कांग्रेस वालों से भी वोट मांगेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि सभी पार्टियों के लोग इस बार दिल्ली में काम के नाम पे, दिल्ली के विकास के नाम पे वोट देने का मन बना चुके हैं। हमारा पूरा कैंपेन पॉजिटिव कैंपेन होगा। हमें किसी से हमें गाली गलौज की राजनीति नहीं करनी, हमें नहीं करनी आती गाली गलौज की राजनीति। कल मैंने देखा था हमारे देश के गृह मंत्री, उन्होंने दिल्ली में आके किसी कार्यक्रम में भाषण दिया था। दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मैंने उनका पूरा भाषण सुना। मुझे पूरी उम्मीद थी कि गृह मंत्री जी भाषण दे रहे हैं, दिल्ली के अंदर आके दे रहे हैं, दिल्ली के विकास की बात होगी, हमारे कामों की कोई कमी बताई जाएगी, लेकिन पूरा का पूरा भाषण उन्होंने केवल मुझे गाली देने के सिवा और कुछ नहीं किया। उनकी गालियां हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। जब आप राजनीति में होते हैं, पब्लिक लाइफ में होते हैं, तो गालियां सुननी पड़ती हैं। हम उनकी गालियां सहर्ष स्वीकार करते हैं। हम उनकी गालियों का जवाब गालियों से बिल्कुल नहीं देंगे। हमारी उनसे निवेदन है कि हम अब मैनिफेस्टो बनाने जा रहे हैं। अगर दिल्ली के विकास को लेके उनके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, अगर वो दिल्ली के लिए उनके पास कोई अच्छा विजन है, वो हमें बताएं। हम उनके सारे अच्छे सुझावों को मैनिफेस्टो में भी डालेंगे और आगे अगले 5 साल में जब हमारी सरकार बनेगी उसको लागू भी करेंगे। हम मिलके दिल्ली को अच्छा बनाना चाहते हैं। हमें इसमें सारी पार्टियों का सहयोग चाहिए। हमें इसमें दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सहयोग चाहिए और हम मिलके दिल्ली को और बेहतर बनाएंगे, और बेहतर बनाएंगे। पूरी विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि आज दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं। पिछली बार दिल्ली के लोगों ने रिकॉर्ड बनाया था 70 में से 67 सीट देके। इस बार दिल्ली के लोग मन बना चुके हैं, वो अपना रिकॉर्ड दोबारा तोड़ना चाहते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो दिल्ली का चुनाव होगा शिक्षा के ऊपर, दिल्ली का चुनाव होगा अस्पतालों के ऊपर, दिल्ली का चुनाव होगा सड़क के ऊपर, दिल्ली का चुनाव होगा कच्ची कॉलोनियों के ऊपर, दिल्ली का चुनाव होगा पानी के ऊपर, दिल्ली का चुनाव होगा फ्री महिलाओं की यात्रा के ऊपर, दिल्ली का चुनाव होगा तीर्थ यात्रा के ऊपर। लिखते जाइए, मैं बताता जाता हूँ। वो क्या कह रहे हैं? पर ऐसा तो कैसे होगा, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ के तो दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कैसे करना चाह रहे हैं वो मुझे भी समझ नहीं आया। हमें दिल्ली के विकास की बात करनी है, और जिस तरह का दिल्ली के अंदर माहौल है, दिल्ली के लोग अब इस विकास की गाड़ी को, ये गाड़ी को जंग लग गया था, बड़ी तेल वेल देके, सफाई करके, रोगन वोगन पोताई करके इसको ठीक किया है। अब ये 100 की स्पीड से चल रही है। अब दिल्ली के लोग एक्सेलरेटर दबाएंगे 8 फरवरी को, है ना, 8 को, और ये अब 200 की स्पीड से चलेगी। जिस तरह देखने को मिला है कि केंद्र के बड़े नेता, चाहे गृह मंत्री हो चाहे कैबिनेट के मंत्री, सब दिल्ली में उतरे हुए, तो क्या जो स्टेट यूनिट है उनके पास कोई मुद्दा नहीं है आपसे टकराने के लिए, केंद्र सीधे इन्वॉल्व हो रहा है? मैं एक्चुअली ये देख रहा हूँ, इस बात की मुझे खुशी भी है कि जब भी वो आते हैं, आज तक उन्होंने किसी भी नेता ने बीजेपी के या कांग्रेस के हमारे शिक्षा में कमी नहीं निकाली, हमारे हेल्थ में कमी नहीं निकाली, हमारी सड़कों में कमी नहीं निकाली, हमारी बिजली में, हमारी पानी में, हमारी महिलाओं की यात्रा में कमी नहीं निकाली। वो केवल और केवल मुझे गाली देते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि वो भी खुश हैं हमारे काम से। वो भी यही कह रहे हैं कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जाहिर है झूठ है। अरविंद जी, अरविंद जी।
अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।